दोस्तों आज की वीडियो आपको बताने वाला हूं कि आप सेवा योजन पोर्टल पर नौकरी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जो भी वैकेंसीज यहां पर दिखा रही हैं सेवा योजन पोर्टल पर, उसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, sevayojan.up.nic.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आउटसोर्सिंग ऑब्लिक प्राइवेट जॉब्स, तो यहाँ पर जितनी भी सेवा योजन पोर्टल पर जॉब जो आ रही होंगी सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए दिया हुआ आउटसोर्सिंग जॉब्स आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स देखना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब्स या सरकारी रोजगार मेला, तो यहाँ सुन आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आउटसोर्सिंग नौकरियाँ नीचे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो ना आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आवेदन कर, इसी पर जो ना आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आईडी पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड जो ना फिल करना है। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। अगर आपका आईडी पहले से लॉग इन है तो यहाँ पर देखिए लॉग आउट करने का ऑप्शन आ रहा है, आपको लॉग आउट पर क्लिक करना है और दोबारा से अपना आईडी पासवर्ड फिल करके लॉग इन करना है। इसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नौकरी के लिए आवेदन करें। तो यहाँ पर देखिए अब तक जो ना 6 आवेदन जो ना यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जितने भी आवेदन किए होंगे आपने यहाँ पर जो ना शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ समस्त नौकरियाँ, तो यहाँ पर अभी कितनी नौकरी चल रही हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 1045 है, तो सिंपली इसी पर जो ना आप क्लिक करना है, आपको समस्त नौकरियाँ इस पर जो ना आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर जो ना क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जिस भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आउटसोर्सिंग, प्राइवेट जॉब, सरकारी रोजगार मेला, तो यहाँ पर जो ना आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर देखिए अभी आउटसोर्सिंग नौकरियाँ जो ना सेलेक्ट है, यहाँ पर समस्त जो ना सेलेक्ट है। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं जिला वाइज, सेक्टर वाइज, यहाँ पर जो ना आप अपना फिल्टर कर सकते हैं, खोज सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे कि इस वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करना है। अगर आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना है तो जो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मांगी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डोएक ट्रिपल सी सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए मांगा, अगर आपके प्रोफाइल में अपडेट नहीं होगा तब आप इसके लिए जो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपके प्रोफाइल में जो वैकेंसी में मांगा है वो सारा कुछ जो अपडेट होना चाहिए, तभी आप जो ना यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पर जो ना आपको क्लिक करना है। तो इस पर जो ना क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपका तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। जैसे आपको क्लिक करना है और आपका आवेदन हो जाएगा। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल जो ना एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ये एरर जो ना आ रहा है, योर प्रोफाइल हैज एक्सपायर्ड। जैसे ही आवेदन करें पर क्लिक करेंगे आपका आवेदन जो ना तुरंत ही हो जाएगा और आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी मैंने कितनी वैकेंसी के लिए आवेदन किया है, 6 वैकेंसी के लिए, यहाँ पर जो ना आपका बढ़ जाएगा। आपने जितनी वैकेंसी के लिए आवेदन किया होगा यहाँ पर जो ना आपका शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब तक इतनी वैकेंसी के लिए आपने आवेदन किया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सेवा योजन पोर्टल पर वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही। आशा करते हैं जानकारी आपको जो ना ये पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।